हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन वनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में दीनदयाल स्पर्श योजना एक शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा, और इसका मूल उद्देश्य है डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन देना। ये जो डाक टिकट होता है उसके संग्रह को प्रोत्साहन देना इसका मूल उद्देश्य है, दीनदयाल स्पर्श योजना। देखिए, पूरे भारत के जितने भी स्कूली बच्चे हैं उनके लिए ये एक तरह का छात्रवृत्ति योजना है। छठी क्लास से लेकर नवीं क्लास तक का जितना भी बच्चा है उसको एक तरह से छात्रवृत्ति दी जाएगी, उसी से संबंधित ये योजना है। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा अंक लाता है और उसको डाक टिकट को संग्रह करने में रुचि भी है, तो ऐसे बच्चों में एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा और फिर उसको जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो यहाँ पर 500 रुपये प्रति माह उसको छात्रवृत्ति मिलेगी, और ऐसे पूरे देश से जो है 920 छात्रों का चयन किया जाएगा। जितना भी डाक सर्कल है पूरे भारत में, हर जोन को डाक सर्कल में बांट दिया गया है, तो उसमें से हर डाक सर्कल से 40-40 छात्रों का चयन किया जाएगा और ऐसे करके टोटल 920 छात्रों का चयन किया जाएगा। तो आपको पूछा जाएगा कि दीनदयाल स्पर्श योजना किस चीज़ से संबंधित है, तो डाक टिकट संग्रह से संबंधित है। फिर पूछा जाएगा कि किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों के लिए ये योजना है, तो छठी क्लास से लेकर नवीं क्लास तक के बच्चों के लिए। और कितने छात्रों का चयन किया जाएगा, 920 छात्रों का। आपको भरमाने के लिए ये ऑप्शन दे देगा कि कितना प्रतिमाह इसमें दिया जाएगा छात्रवृत्ति, तो 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000, 2500 ऐसे ऑप्शन देगा, तो बिल्कुल नहीं, 500 रुपये प्रतिमाह इसमें छात्रवृत्ति दी जाएगी।